सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं रुपिंदर कौर तुहाडा सब का स्वागत करती हाँ द अनम्यूट पर। सो फिल्म मित्रा का ना चलता जो 8 मार्च में सिनेमाघर रिलीज़ हो जा रही है, इस फिल्म डायरैक्ट किया है पंकज बत्रा। तो इस फिल्म की स्टारकास्ट है तानिया, गिप्पी गरेवाल, राज शुकर के नाल ही कई वो कलाकार जिन्हों असी कदे परदे ते नहीं देखा सी, पर हुण इस फिल्म दे विच असी उन्हां कलाकारां नूं देखांगे। सो अज असी पहुंचे हाँ PVR एलांटे। काफ़ी वक्रे ढंग के नाल इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लॉन्च किया जा रहा है। सो देखते हैं कि कहते हैं स्टारकास्ट के नाल ही जो फिल्म रिलीज़ होगी तो यह फिल्म किस तरह लोगों के दिलों में राज करेगी, वो भी देखना होगा 8 मार्च में। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। मैं जिन्नियां भी फिल्मां लिखियां पिछे मैं इन्ना कहूँगा ये मेरी जिंदगी की बेस्ट राइटिंग सी। ये मैं दिलों सच कह रहा, मैं आंदे भाई नूं कहा मेरी जिंदगी की बेस्ट राइटिंग सी भाई। तुहानूं बेस्ट फिल्म लगेगी। वाकई कोई सिनेमा नूं प्यार करता है या कुछ नवां देखना चाहता है तो जरूर आयो, तुहानूं प्राउड होएगा देख के। थैंक यू फॉर कमिंग। मैं भी थोड़े नाल पहली बारी ट्रेलर देखा है एंड आई जस्ट लव्ड इट। आई होप तुम सारे भी बहुत पसंद आया हो। यस ऑफ कोर्स मैं भी सेम चीज़ कहूँगी कि राकेश जी थैंक यू यहोजा टॉपिक पंजाबी सिनेमा च लियान ली, बिकॉज पंजाबी सिनेमा इज़ ग्रोइंग एंड गोइंग टू नैक्सट लैवल। सो यहोजी स्टोरीज मस्ट हैव ने। एंड टू ऑल द मीडिया आई वुड जस्ट लाइक टू से कि लेट्स प्रमोट दिस फिल्म इन अ वे कि अपना सिनेमा जो डिफरेंट कॉन्टेंट लैके आ रहा है तो लोगों को भी पता लगे दैट वी आर वर्किंग हार्ड फॉर डिफरेंट कॉन्टेंट, सो दे शुड ऑल्सो गो इन द सिनेमाज टू वॉच डिफरेंट कॉन्टेंट। रियली होप कि तुम इस फिल्म को प्रमोट करोगे, इंजॉय करोगे, देखने जाओगे। वुमेन एम्पावरमेंट की गल हो रही है एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कुछ बदल गया है बट आई थिंक हजे भी बहुत इंप्रूवमेंट की लोड़ है। सो जो तुम ये फिल्म देखोगे तो शायद साड़िया कुड़िया नू हौसला मिलेगा एंड शायद जिहोजा गिप्पी जी का किरदार है फिल्म दे विच ओहोजा होर मर हेल्प करेंगे औरतों दिया एंड लाइक दे विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प वुमेन। सो आई होप यू गाइस गो एंड वॉच दिस फिल्म। सारे करियर की सब तो वड्डी फिल्म होगी है ना, तो क्योंकि मीडिया एक बहुत वड्डा रोल प्ले करता। सो मैं लगता कि पिछे जड़े साल डेढ़ साल जड़ा बॉलीवुड का लंघिया वा वो जिथे कि बायकॉट बॉलीवुड बायकॉट बॉलीवुड चलता सी, अद्धा तो वह मीडिया ने चला चलू के उत्थे देने सत्यानाश किया हुआ सी। बिच चंगी फिल्मां भी आईयां जिहड़ियां खे खराब हो गई है ना। सो मैं नहीं कहना कि हर फिल्म नूं तुसीं चंगा कहो, चंगी नूं चंगा कहो, चाहे साडी होई आ जे नहीं चंगी हैगी तां नहीं चंगी, क्योंकि असीं भी कोशिश करांगे कि नैक्सट टाइम, क्योंकि साडी भी बेसिकली दुकानदारी यही आ, हट्टी तां पाई नहीं होई हैगी, असीं फिल्मां ही बनाउणियां ने। तुहानूं चीज़ नहीं चंगी लगू तां नैक्सट टाइम असीं उहनूं कुछ होर बनावांगे। हुण सानूं लग्गिया सी इस मौके ते कि किस तरह दे सिनेमे दी लोड़ है। सो सारी टीम ने पूरी सलाह मशवरे दे नाल असीं इह फिल्म बनाई आ और जो असी फिल्म देखी ट्रेलर देखा सानू लग्या कि शायद जो असी चाहते सी असी वो बना सके। मैं रीलां रूलां ज़्यादा बोलदा ये भी सारे पंजाब वाले ना अक्सर ही जो कमेंट कमुंट करते गए पोस्ट लेंदे भी कंटेंट नहीं तुम वधिया लैके आते कंटेंट। मैनू लगता भी ये जी एक आम जिंदगी की स्टोरी आ। सो बहुत ही घेंट है, जिन्हें भी अपना वेखे सारे लोग उन्होंने लगेगा कि साड़ी आप दी स्टोरी है। सो बहुत ही डिफरेंट कंटेंट आ एंड जो मेरा खुद का करैक्टर है वो हम तक जी मैं कॉमेडी करता हाँ। सो मैं लगता कि कॉमेडी तो हट गया और फिल्म तो तुम्हें घेंट लगनी लगनी मेरा करैक्टर वधिया लगेगा। एक आम इंसान ही है जी, कोई खास वो कोई नहीं कि कोई स्पैशलिटी है, क्योंकि रब जो भी किसी को पैदा करता वो अंदर कुछ ना कुछ पा के भेजता, वो आप कई बार जगाते ही नहीं गए, आप टोलन की कोशिश नहीं करते हैं है ना। सो ये करैक्टर भी नहीं करता है। सो इन किस वक्त वो चीज़ अपने अंदर फील होंगी है तो वो कुछ चीज़ों लिए स्टैंड लगता। मैंने लगता कि जो आप हर बंद किसी ना किसी पॉइंट पर आके लैना चाहिए वा,
जिथे आप स्टैंड नहीं लेंदे है। सो उस तरह के एक किरदार की फिल्म है जी, बाकी तो ट्रेलर जनक देख लिया मोटा मोटा सामने आई गई। कहने का मुद्दा थोड़ा सर मोटा मोटा यह भी असी बहुत मेहनत मूहनत करके फिल्म बनाने और सब तो वध जो असी नॉर्मल कॉमेडी फिल्म बनाने वो साड़ियाँ बहुत चलदियाँ, सारा कुछ चलता वधिया चलता वा, बट तुहाडा एक सवाल हमेशा ही हुंदा वा इहदे च की खास है जी, तो इहदे च की मैसेज है जी, इहदे च फलाना की है जी, इहदे च टिकाणा की है जी। सो हुण तुसीं आप ट्रेलर देखिया, सो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह हुंदा कि कुछ क सवाल जिहड़े तुसीं आप लैके आउंदे हो जदों उहनां दा जवाब तुहानूं अपने आप ट्रेलर दे विच मिलदा है तो उन्हों तुसी थोड़ा ज़्यादा बूस्ट करया करो क्योंकि सानू ये अंदरों फीलिंग आनी चाहिए है कि यार हाँ जो असी इस तरह का कंटेंट बनाने ना कि मीडिया सानू 200% सपोर्ट करता वा क्यों ना आप इदा दिया चीज़ा बनाइए। ये ओबियसली प्रोड्यूसर नू एक जिनी देर बिजनेस राइट नहीं मिलेगा वो ट्राई नहीं करेगा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ा है ना, सो उन्होंने अटैम्प्ट किया वा है ना। सो ये फिल्म मैनू वैसे इदा लगता कि एक जिते चंगे सुनेहे दी है, एंटरटेनमेंट भी बहुत है ना, सो फिल्म का फील उस तरह का वा। तो उदो असी एक प्लैन किया कि एक जड़ा गाना प्रमोशनल करना सीगा, साड़ी कोशिश सी कि सिद्धू नाल कीता जावे। सो उदों पंकज भाजी की मैं एक मीटिंग कराई भी सी सिद्धू के नाल, सो अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ा पॉसीबल नहीं हो पाइया, तो वो टाइटल भी उदों ही रख लिया क्योंकि टाइटल मेरे को बहुत पुराना सीगा, तो बट हुण जदों उदी फस्ट लुक असी पहला रिलीज़ की तो कईयां नूं लग्या कि शायद इहदा टाइटल नहीं ये रखना चाहिए। सो मैं बिल्कुल भी वो चीज़ बिलीव नहीं करता क्योंकि मैं इन्ने साल हो गए इस इंडस्ट्री काम करते हुए, कोई भी मैं कंट्रोवर्सी या कोई भी मैं इदा की चीज़ नहीं करनी चाहता कि जिदे किसी का भी दिल दुखे। सो इस करके मैं टाइटल असी चेंज करके मित्रा का नाँ चलता रख लिया, होर अदरवाइज ये कोई इदा का वो नहीं कि पहला वो क्यों रखा या बाद क्यों रखे। नो मीनस नो इज पॉपुलर नाउडेज बट यह बहुत पुरानी चीज़ है। सो गल होंगी थोड़े को जो पावर होंगी ना तुम उदो गल कह सकते हो, हुन वुमेन आर गैटिंग पावर, दैट्स हाउ दैट्स मोर पॉपुलर नाउ। पहले भी उन्होंने मन च इफ इट वॉज नो पर वो कह नहीं सी पाती क्योंकि पावर नहीं सी होंगी। नाउ इंटरनेट हैज़ कनैक्टेड एवरी वन, एक देश का बैठा बंदा दूजे देश कौन की कर रहा वेख रहा, सो दे हैव नॉलेज, दे नो द एक्ट्स, दे नो वॉट राइट दे हैव ऑन देयर बॉडीज, दे नो वॉट राइट दे हैव ऑन देयर थिंकिंग। सो ता करके वो टिका के नो मीन्स नो इज नाउ अ कॉन्फिडेंट थिंग, इट्स नॉट पॉपुलर बट नाउ द एक्सेप्टेंस इज मोर। एंड आई थिंक थैंक्स टू ऑल द मैन आउट इन द सोसाइटी हु आर हेल्पिंग वुमेन टू नो दिस। एंड मैं भी यह भी चीज़ दसना चाहूँगी कि बंदे ही होंगे ने कुछ वधिया वाले जेड़े कुड़िया नूं रियलाइज़ कराते हैं कि यू हैव द पावर टू से नो। We had since long, everybody have, क्योंकि हर किसी नूं एक एक इंडिविजुअल बॉडी दिती गई है, इंडिविजुअल माइंड, इंडिविजुअल किडनीज, लंग्स, एवरीथिंग इज इंडिविजुअल ना, सो उन्हां ते सिर्फ साडा हक है। फिल्म कोई भी प्रोड्यूस करदा वा जिहड़ी चीज़ मैनूं वधिया लगदी है मैं वो प्रोड्यूस करदा, कदे मैं ये नहीं देखिया कि कॉमेडी आ जे, क्योंकि मैं यही देखता हूँ तो वॉर्निंग अरदास कदे ये फिल्म बनदिया ही ना है ना। तो आ फिल्म भी जो भाजी ने आके मैं सुनाई सी है ना, सो मैं इन्होंने ये कहा क्योंकि इन्होंने भी मैंने यही सुनाई सी, कहिंदे भाजी एक चंगा सबजैक्ट सुनावा, मैं क्या बिल्कुल भाजी, और मैं लगता कि असी कोई होर चीज़ डिस्कस ही नहीं की, असी कोई होर प्लॉट नहीं डिस्कस किया, जबकि ये आउट एंड आउट कॉमेडी के मास्टर ने, इन्होंने इन लास्ट तुसी चैक करो सब तो वड्डियां फिल्मां इन्होंने दित्तियां कॉमेडी दी है ना। असी उस चीज़ को यह नहीं कहा है क्योंकि मैंने ऐसी मैं यार डिफरेंट की है ना, अच्छा की है, चंगा की है, और हिट फ्लॉप का भाजी कोई फार्मूला नहीं, चंगी चीज़ को कोई नहीं रोक सकता है, मैं इदा लगता है ना। वो जो थोड़ी बहुत कोई इग्नोर कर भी दिता तो उन्होंने जिन्हें लोग देखते वो इन्ना एप्रीशिएट कर देंगे कि तुहानू वो चीज़ भुल जाती है कि यार साडी फिल्म नूं इग्नोर किया किसी ने, जां इदां किया सी, उदां किया सी। सो माड़ी फिल्म नूं कोई धक्के नाल चला नहीं सकता है ना। सो आपां कोशिश करते हैं कि फिल्म चंगी बनाई जाए, हाँ उन्हें प्रमोट करिए दब के, क्योंकि कई बार क्यों कि कोई जो नवा विषय या नवा सबजैक्ट आता एक बार लोग सोचते हैं बैठ के कि अच्छा यार ये की हो, एक आप अपने आइडिया लाने लग जाने कि यार ये फिल्म ज़्यादा सैड तो नहीं हो, ये फिल्म ज़्यादा ऐ तो नहीं हो, क्योंकि कोई भी फिल्म सब तो ज़्यादा जी मैं अज तक संजीदा फिल्म बनाई सी अरदास, बट वो भी जो तुम देखते हो वह भी इंटरटेनमेंट से, क्योंकि जो थोड़ा असी यह तो है नहीं सकता कि अभी भाषण दे जाइए, भाषण कोई नहीं सुनता है,
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਟੇਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸੀਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਕੱਲਾ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਮਸਟ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਮਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਹ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਟ ਨੋਟ ਆ ਕਿ ਇਟਸ ਨੋਟ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੱਕਾ। ਕੰਧਾ ਤੋੜਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲੇ, ਹਾਂ ਉਸੇ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੈੱਟ ਟੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਖਿਲਾਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।